And that's how I see Sikhi. And in Sikhi, we talk about sab kuch pehle likha hua hai. Everything is hukam, everything is pre-written. Even when we are suffering in life and we feel down in life, we just need to have faith that Guru Sahib has a plan for us and his plan is perfect. And we can let go of those human temptations to want to control everything. Guru Sahib's plan for us is beautiful. Everything we live and we face and we experience is his hukam. Every creation of his was created as he desired and as planned, and they are perfect in their own way. And this is why I choose Sikhi, because Sikhi is for everyone. Sikhi is about love and acceptance. Vaheguru Ji Ka Khalsa. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 96 करोड़ी खालसा कैसे आएगा, ये गोरी लड़की ने बता दिया है। जब इसने अमृत शका और सिंह सज गई और आज अपने सर के ऊपर ये दुमाला सजाती है। सबसे पहले हम इसका यह वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद इसके बारे में बात करते हैं। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Today I am in a talking mood. I wanted to make a video talking about why I chose Sikhi and why I choose Sikhi every day of my life. Sikhism is a beautiful, modern, egalitarian religion where everyone is welcome. Though I was born into a Catholic family, the teachings never resonated with me. In Christianity, there are certain, you know, rules, and there are the Ten Commandments, and there are certain ideologies, and the thinking is that if you don't follow these, if you don't do XYZ that we want you to do, then you are a sinner, you are going to hell, and you are not welcome. सीधा स्पष्ट उन्होंने चंद शब्दों में बताया कि उनके जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर यदि आप ये चीजें नहीं करते तो आपको कहा जाता है कि तुम हेल के अंदर जाओगे, तुम नर्क के अंदर जाओगे। लेकिन सिक्खी के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। सिक्खी के अंदर केवल एक ओंकार की बात की जाती है। जितना मुझे समझ आएगा वो मैं आपको हिंदी में साथ के साथ जरूर बताऊंगा। इन सिक्खी वी हैव अ डिफरेंट बिलीफ सिस्टम दैट इज सेंटर्ड अराउंड दिस आइडिया ऑफ एक ओंकार, राइट? दिस वन यूनिवर्सल गॉड, दिस क्रिएटर सस्टेनर डिस्ट्रॉयर, दिस ओमनीप्रेजेंट एनर्जी दैट गाइड्स द, ये बार बार वही एक ओंकार की बात करती है कि सिक्खी के अंदर केवल एक कॉन्सेप्ट है, एक ओंकार का कॉन्सेप्ट है जो एक यूनिवर्सल गॉड को दर्शाता है। होल यूनिवर्स, राइट? सो इन सिक्खी वी बिलीव दैट एवरीवन इज वेलकम, एवरी टाइप ऑफ पर्सन इज एन इक्वल क्रिएशन। ये कहती है कि किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी तरह का हो, सिक्खी के अंदर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई भी सिख बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ओंकार को, एक परमात्मा को जिसने सभी को बनाया है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। देखिए, मुझे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन थोड़ी बहुत समझ कर मैं आपको वो हिंदी के अंदर बता रहा हूँ। काफी सारे मीनिंग गलत भी हो सकते हैं, आप किसी और से भी इसका ट्रांसलेशन जरूर करवा लेना। अगर आप सभी को केवल ये वीडियो देखना होगा तो उसका मैं एक अपने व्हाट्सएप चैनल वाला लिंक है वो नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। एवरी टाइप ऑफ पर्सन, मैन, वुमन, ब्लैक, व्हाइट, स्ट्रेट, गे, every single person, whether people like it or not, they are from the creator. And the creator does not make mistakes. And in front of the creator, we are all equal. So Sikhi is... अब इसने कहा है कि जो एक क्रिएटर है, जो एक परमात्मा है, उस परमात्मा ने सभी को बनाया है, गोरे को, सफेद को, काले को, नीले, हरे, हर तरह के इंसान को, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो। जब परमात्मा ने किसी के अंदर भेदभाव नहीं किया है तो कोई और किसी के प्रकार कैसे कर सकता है। और सिक्खी के अंदर यही कॉन्सेप्ट है कि सिक्खी एक ओंकार के संदेश को मानती है, एक ओंकार, एक परमात्मा को मानती है, और यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। So Sikhi is so beautiful. It talks about the concept of sarvata bala, well-being of all. And it talks about the concept of manas ki jaat sabhi ek hai pachanpur. It talks about seeing all of humankind as one brotherhood. And जितनी बातें ये हमें समझा रही, इतनी तो हमें भी नहीं पता होगी कि मानस की एक
मानस की जात एक है पहचान वो, और जो सर्वात का भला, ये दो शब्द इसने इतने बड़े बड़े शब्द बोले हैं इस वीडियो के अंदर। ये इसने कोई रट्टा नहीं मारा, इसने अमृत शका हुआ, ये अमृतधारी सिंघनी सजी हुई है, इसलिए इसको ये सारी बातें याद है। जब आप सिख सज जाओगे तो आपके दिमाग के अंदर पूरी दुनिया का ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। उस ज्ञान को आप अपनाते हैं या नहीं अपनाते ये आपके ऊपर है। That's how I see Sikhi. And in Sikhi, we talk about सब कुछ पहले लिख क्या हुए। Everything is hukam, everything is pre-written. Even when we are suffering in life and we feel down in life, we just need to have faith that Guru Sahib has a plan for us and his plan is perfect. And we can let go of those human temptations to want to control everything. Guru Sahib's plan for us is beautiful. Everything we live and we face and we experience is his hukam. Every creation of his was created as he desired and as planned. And they are perfect in their own way. And this is why I choose Sikhi, because Sikhi is for everyone. Sikhi is about love and acceptance. Vaheguru Ji Ka Khalsa. Vaheguru Ji Ki Fateh. इस गोरी को सलाम है, इस गोरी सिंघनी को सलाम है, जो गोरी ने आज सिख धर्म अपनाया है। ये केवल एक गोरी नहीं है, ऐसी बहुत सारी गोरियां हैं, ऐसी बहुत सारी विदेशी लड़कियां हैं, लड़के हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज सिख धर्म अपना लिया है। देश विदेशों के अंदर सिखों की गिनती दिन पर दिन ऐसे बढ़ रही है। हम सभी को एक दूसरे के साथ जुड़ने की जरूरत है। सारे सिख एक दिन मिलकर 96 करोड़ खालसा राज जरूर लाएंगे। बहुत जल्दी 96 करोड़ खालसे का राज आएगा। एक व्यक्ति कहता था कि 96 करोड़ खालसा कैसे आ जाएगा, तुम झूठ बोलते हो। व्यक्ति ने कमेंट किया था कि खालसे की जो 96 करोड़ वाली बात है वह झूठी है, 96 करोड़ खालसा हो ही नहीं सकता। वो कहता है कि सिखों की पूरी जनसंख्या ही केवल 4 करोड़ है पूरी दुनिया के अंदर। मैं उसको कहना चाहूंगा कि जो खालसा है वह प्रगट होता है, खालसा कभी भी पैदा नहीं होता, खालसा प्रगट होता है। खालसा उस अकाल पुरख की, उस गुरु की मौज से प्रगट होता है, और ये खालसा पूरी दुनिया के अंदर प्रगट हो रहा है। ये केवल हमारे भारत या कनाडा अमेरिका को देखकर कुछ लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर सिखों की जनसंख्या पंजाब में 1.5-2 करोड़ है, 2 करोड़ वहां पर है। नहीं, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, दुबई, कुवैत और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, इसका नाम हमने पहले ले लिया शायद, नाइजीरिया के अंदर भी सिख सज रहे हैं। वहां के जो लोकल लोग हैं, ये सभी लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये उन स्टेट्स के, उन देशों के लोकल लोग हैं जो वहां पर अमृत शक्कर सिंह सज रहे हैं। और इसी प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर जब अगला विश्व युद्ध लगेगा तो वो विश्व युद्ध आखिरी विश्व युद्ध होगा और उसके बाद खालसा राज आएगा। ये बात आज मैं ठोक कर कहता हूं कि खालसा राज आएगा, बहुत जल्दी आएगा, 96 करोड़ खालसे का राज आएगा। केवल हमें शब्द के साथ जुड़ने की जरूरत है। खालसा प्रगट होता है, खालसा कभी पैदा नहीं होता है। जिस प्रकार से इस सिंघनी ने आप सभी को समझा दिया, इस सिंघनी ने अपनी हटबीती बताई, इसको काफी सारे लोग पूछते थे कि तुमने सिख धर्म क्यों अपनाया, तो उसने कहीं पर ये लाइव होकर टिकटॉक वगैरह के ऊपर वीडियो डाला था, तो जहां से शेयर करके आगे हमारे पास ये पहुंचा, तो उस वीडियो में उसने सीधा सीधा ये स्पष्ट शब्दों में बताया कि मैंने सिख धर्म इसलिए अपनाया है क्योंकि मैं सिखी को प्रेम करती हूँ। सिख एक ऐसा धर्म है जहां पर एक ओंकार की पूजा की जाती है, एक ओंकार को माना जाता है, जहां पर मानस की जात सब एक है पहचान वो कहा जाता है, जहां पर सर्वत के भले को माना जाता है, सर्वत का भला मांगा जाता है। इसी प्रकार से वो कहती कि यदि मैं क्रिश्चियनिटी के अंदर रहती तो क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। वहां पर बोला जाता है कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तो तुम नरक के अंदर जाओगी, तुम हेल के अंदर जाओगी। वहीं उसने एक और बात कही कि जब परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, इस कुदरत को बनाया है, आत्मा ने सभी को एक जैसा बनाया है, जब वह परमात्मा बनाने वाला किसी के अंदर कोई फर्क नहीं करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, तो आप और हम कैसे हैं। इसीलिए ये कंसेप्ट मुझे सिक्खी के अंदर केवल जाकर मिला, जहां पर एक ओंकार की बात की जाती है और वहां सभी धर्मों का भी आदर होता है, ये नहीं कि किसी धर्म का निरादर होता है। यहां पर शब्द से जोड़ा जाता है, यहां पर आपको जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति मिलती है, यहां पर आपको पाप और पुण्य के चक्रों से मुक्ति मिलती है। तो ये थी उस गोरी लड़की की बात, जो अपने चंद शब्दों के अंदर जिसने अमृत शक्कर खालसा सजकर सभी के सामने अपनी बात रखी। आप भी खालसा सजिए, अमृत शकिए और 96 करोड़ फौज का हिस्सा बने। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु।